रावण एक ऐसा शख्स था जिसे खत्म करने के लिए खुद भगवान विष्णु को राम का अवतार लेकर धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसका नाम सारी दुनिया जानती है, लेकिन कोई भी उसका नाम इस्तेमाल नहीं करता। अपने समय का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी, जो अगर चाहता तो स्वर्ग तक रास्ता बना सकता था। आज हम इतिहास के सबसे खतरनाक बुद्धिजीवी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रावण की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो रावण के अस्तित्व की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक बार जब ब्रह्मा जी के चार पुत्र, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से 5 वर्ष तक के ही रहने का वरदान ले रखा था, वो सभी वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं तो जय और विजय उन्हें बच्चा समझकर रास्ते में रोक लेते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, आप इस समय उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा कि भगवान विष्णु तो अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जय और विजय उन्हें फिर भी अंदर जाने नहीं देते। तो इस बात से क्रोध में आकर उन्होंने जय और विजय को श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ को त्याग कर धरती लोक में इंसानों की तरह रहना होगा। तब वहां भगवान विष्णु आ जाते हैं और दोनों इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु विष्णु उन दोनों से कहते हैं कि ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। जिनमें से एक विकल्प था कि दोनों 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर रहेंगे, और दूसरा विकल्प था कि दोनों 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर रहेंगे। जय विजय धरती पर ज्यादा समय नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और इसी श्राप के चलते रावण का जन्म हुआ। महान ऋषि विश्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से हुआ रावण का जन्म। यही वजह है कि रावण के अंदर अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां मौजूद थी, तो वहीं पिता की तरफ से ब्राह्मण की तरह तीव्र बुद्धि और प्रभु की भक्ति उसमें मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभा का मालिक था, जिसे अपने समय का वैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, क्योंकि रावण ने कई सारे खोजे भी की है। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तपस्या की, जिसके कारण उसमें अपार शक्तियां मौजूद थी। रावण के पास हजारों सिद्धियां मौजूद थी, जिसकी मदद से वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था कि 3 लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे भी 3 अलग अलग तथ्य बताए जाते हैं। पहला तो ये है कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सिर काट कर उनको समर्पित कर दिया, लेकिन जैसे ही वो अपना एक सिर काटता दूसरा सिर निकल आता। इसी तरह रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर ब्रह्मा जी को चढ़ा दिए, जिससे खुश होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिसके कारण रावण की नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई, जिसकी वजह से अगर कोई रावण का सिर कितनी भी बार काटे एक नया सिर निकल आता। और इसी तरह रावण के किसी भी अंग को काटो तो वहां पर वो अंग वापिस आ जाता था। दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा ने रावण के लिए मनियों की ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनकर वो अगर किसी के साथ युद्ध करता तो उसे उसके सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहन लिया करता था ताकि कोई भी उस पर वार ना कर सके। और तीसरा तथ्य ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों में महारत हासिल कर ली थी। किसी एक दिमाग में इतना ज्ञान अपने अंदर समेट पाना असंभव होता है, इसलिए रावण को 10 सिरों वाला कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था, जो असुरों के राजा मायासुर हेमा अप्सरा की पुत्री थी, इसीलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली थी और बहुत ही सुंदर स्त्री थी। अगर रावण के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उसके कई हिस्सों से पता चलता है कि रावण एक कुशल राजा था, जो युद्ध के दौरान अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे और उसे हराने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासनकाल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी।
यही कारण है कि रावण भले ही पूरी दुनिया के लिए एक राक्षस और दुष्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वहां रहने वाले लंका वासियों के लिए वो भगवान है। वो उसे आज भी भगवान मानकर पूजते हैं। रावण के व्यक्तित्व के बारे में जानने के बाद अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। माना जाता है कि आज भी रावण का शव सुरक्षित है। श्रीलंका सरकार ने एक रिसर्च टीम में रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इसी खोज के दौरान रिसर्च टीम का सामना रावण की मम्मी से हुआ, क्योंकि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध किया था तब धरती से अधर्म का अंत हुआ था और लोग जीत की खुशी मनाने में लगे थे। इसी बात का फायदा उठाकर नागवंश के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो रावण को अपना मित्र समझते थे। रावण के दोस्त नागराज ने रावण को जीवित करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को घास, जड़ी बूटियों और शहद की मदद से सुरक्षित करके एक गुफा में छिपा दिया। जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का ये दावा है कि वो सदियों से इस रहस्य को जानते हैं कि रावण का शव इस गुफा में सुरक्षित रखा है। शिलोंग के घने जंगलों में रंगला नाम के इलाके में पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी गुफा में रावण के शव के होने की बात कही जाती है। रिसर्च टीम का कहना है कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें की, तब जाकर वो गुफा के अंदर पहुंच पाए, क्योंकि वहां पर कई सारे खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद हैं जो किसी को भी अंदर जाने नहीं देते और गुफा की रक्षा करते हैं। श्रीलंका की रिसर्च टीम जब गुफा तक पहुंची तो उन्होंने वहां 18 फुट लंबा पत्थर का ताबूत देखा, जिसके ऊपर अजीब प्रकार की जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ था। गुफा में ताबूत को इस प्रकार रखा था कि अगर वहां एक भी पत्थर हिला तो पूरा का पूरा ढांचा गिर जाएगा। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना असंभव कहा जाता है। लेकिन ये बात आज तक रहस्य है कि उस ताबूत में रावण का शव है या नहीं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि रावण का अंतिम संस्कार किया गया था और उसे पूरे विधि विधान के साथ जलाया गया था, ताकि वो वापिस वैकुंठ जाकर अपनी पुरानी जिंदगी जी सके। खैर दोस्तों, रावण इस धरती पर मौजूद है या नहीं ये तो एक रहस्य ही है, लेकिन उसके अस्तित्व से जुड़ी एक बात हमेशा के लिए लोगों को याद रहेगी कि वो एक प्रबल बुद्धि और शक्तिशाली था, जिसके अंदर असीम शक्तियां मौजूद थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर चाहता तो पूरी धरती की काया पलट सकता था, लेकिन अपने अहंकार और गलत निर्णय के चयन से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वरना क्या पता आज हमारे सामने स्वर्ग जाने का रास्ता मौजूद होता। क्योंकि कहा जाता है कि ये काम सिर्फ रावण ही कर सकता था। अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम।